कालिया जुल्फा वाला, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा। माशाल्लाह जी, अंडे हमारे देखें, कोफ्ते और आलू की रेसिपी तैयार हो रही है। माशाल्लाह दुख बड़ी जबरदस्त आई है। सहरी का टाइम हो चुका है, सब कर रहे हैं जी सहरी। सुगना सिस्टर मोहम्मद इनाम भी सहरी कर रहा है और अहमद अली और शुक्रिया। एक बंदा नजर नहीं आ रहा, अली हसन किधर है भाई? लेटा हुआ है, सो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो कल कह रहा है, कल कुत्ते ने ना मुझे टक्कर मारी है ना पेट में, हाँ मैं बेहोश हो गया था, आज नहीं मैं रोज रखूंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसा कि पता है प्यारे बहन भाइयों को, हमारा वो छोटा भाई अली हसन है जो वो गोश्त की दुकान पे काम करता है, कल उसको कट्टे ने टांग मारी है, ये जो भी मारी है, जिसकी वजह से टक्कर मारी है, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी उसकी, इसलिए आज वो रोज़ा नहीं रख रहा। चलें जी, अल्लाह पाक में बेशी माफ़ करे, क्योंकि ये तो मजबूरी है, तकलीफ़ है उसे। चलो अल्लाह सेहत दे। चलें जी, मैं भी उठाऊँ, अभी सहरी कर लेता हूँ, मैं उठता ही एंड में हूँ। हाँ काम मेरे ज़्यादा होता है ना, मोबाइल में आंखों में दर्द रहता है, सर में दर्द, सोता भी लेट हूँ, फिर उठता भी सहरी पे लेट हूँ ना। वैसे भी रात देर से सोए, वो बिजली वगैरह इतनी कड़क रही थी ना, बादल वगैरह भी, तो फिर से आप सोए थे। सही है, दोपहर का टाइम हुआ चाहता है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ नमाज मस्जिद में, और शुक्रिया ने रेसिपी का आगाज कर दिया है यहाँ पर, और ये बना रही है बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे पास बहुत ही प्यार से मोहब्बत से जो रेसिपी आई है, हम उसकी तैयारी करने लगे हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, फिर शुक्रिया हम अपने प्यारे बहन भाई को दिखाएंगे कि आज हम क्या यूके बना रहे से जो हैं, गिफ्ट आया हमारे पास, वो रेसिपी बना वो रहे हैं। रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलें कर लें आप काम, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, और मस्जिद की बाहर की जो छिलाई का काम जारी है, और ये वाला रंग आपको दिखाते हैं मस्जिद के अंदर की क्या पोजीशन है, क्योंकि अंदर का काम मस्जिद का हो चुका है। अब देखें प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह माशाल्लाह, मस्जिद की रौनकें देखें कैसी बहाल हो गई हैं, और छत देखें कितनी प्यारी, माशाल्लाह शाह साहब ने बहुत ही मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिंबर पाक देखें आप, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, एक दफ़ा रंग भर दिया। अब इसके अंदर हमने लाइट का इंतज़ाम करवाना है, इसके अंदर भी पंखे लगेंगे, बाहर भी लगेंगे पंखे, तीन बाहर लगने हैं, और यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे दो यहाँ पे लगेंगे। चलें अल्लाह खैर करते हैं, अब घर चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इसकी अंदर की सफाई होगी, इसके अंदर कालीन भी हमें ज़रूरत है, अल्लाह खैर करता है, जैसा होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। अभी इब्राहिम और शाह साहब लगे हुए हैं बाहर, आज हो जाएगा नोनी बाहर, शाह जी सारा नहीं होगा भाई, ये फ्रंट हो जाएगा ना, ये वाला फ्रंट हो फ्रंट जाएगा, करके दे के जाना है तरावियों में, ताकि ये खूबसूरत हो जाए, ये फ्रंट हो जाएगा। चलें ठीक हो गया, असल में सिलाई का काम यार इसका बहुत ज्यादा है, ये चूना करते रहे हैं ना, वो सारा काम खराब हुआ है। हाँ चलें अल्लाह खैर करते हैं। अहमद अली टूबल के अंदर नहा रहा है जी, चल लगा टूब लगा, हाँ ठंडा ठंडा पानी, पानी कैसा है अहमद अली, ठंडा है ना, बड़ा वीआईपी माहौल, पानी दे रहा है भाई सामने। बकायदा से जी रेसिपी बनाना शुरू कर दी है, और शुक्रिया आ गई है, चूल्हे पे आग भी जला ली है, और ऑयल भी जो घी है हमारा गर्म हो चुका है। चलें जी, ये क्या है शुक्रिया, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें और टमाटर का, सही है, ये उसमें जूसर में, अच्छा ग्राइंडर में, सही। अच्छा क्या बना रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें ना बात। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे कोफ्ते। कोफ्ते जी, तो प्यारे बहन भाइयों वाकई हम कोफ्ते बना रहे हैं, शायद वीडियो हमारी कोफ्तों की पहली दफा ही होगी ना। हाँ जी, जब से चैनल बनाया है, जी, पहले वाले चैनल भी, ये भी सब मिला के, पहले वाले चैनल पे थी वीडियो कोफ्तों की। हाँ जी। अच्छा इस चैनल पे पहली दफा चैनल पे ये वीडियो आई है कोफ्तों की, और ये भी आपको बता देते हैं, जो हमारी सिस्टर बिस्मा है उन्होंने ये हमारे पास कोफ्ते भेजे हैं, भाई आपने ज़रूर बनाने हैं, कल बनाने थे कल नहीं बना सके, लेकिन आज हमने कहा चले बना लेते हैं साथ में। अच्छा चलें मसाले वगैरह ये डाल रही है शुक्रिया, चले ठीक है डाल लो, कोफ्ते निकाल लिए फ्रिज में से, हाँ जी ये मैंने रख लिए, चलें ठीक हो गया।
शुक्रिया ने मांगे हैं अंडे, छील के रखे हुए थे, अब ये देखता हूँ शुक्रिया को, पता नहीं कितने इसने रखे हुए, माटो भी शोर करिए। कितने अंडे थे शुक्रिया आज बनाए हैं, उबाले? डेढ़ दर्जन उबाले हैं। चलो जी माशाल्लाह, अभी डाल लें, अभी देर थोड़ी देर बाद। अभी तो मसाले की बनाई होगी अच्छी तरह, फिर इसमें कोफ्ते डाल के, मैंने कोफ्तों की बनाई करनी है, फिर ये मैं डालूंगी अंडे और आलू। चलें जी ठीक हो गया, ओके। अकबर अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? चैनल का बोलो ताकि, अच्छा बाय बाय करो, सलूट मारो, ठीक है क्या? तो बाबा जी मेरे दोबारा बाबा जी मेरे किसका सूट पहना हुआ? भैया का, भैया। माटो क्या कर रही हो, खाना खा रही हो? और दादा वो रेड़े पे लेटे हुए हैं, ये हमने देना है, अभी बुलाया था, कल भी नहीं देखे आए भाई, शौकत वगैरह अपना काम भी होता है बंदे का। चले दादा वो तो चाऊ में लेटे हुए ना मजे से आराम से। मातो आप क्या खा लियो? ये दही है प्यारे बहन भाइयों। हाँ जी, हरी धनिया की चटनी भी डाली हुई है। अच्छा डाली भी है? ये थोड़ी सी है, खट्टा लग रहा है। शुक्रिया। हाँ जी, ये क्यों डाली है चटनी हरी? ये ना वो कटोरी इसके ऊपर ढकी हुई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सी इसमें डालो और दही डालो बस। हाँ जी, फिर ये सारी के लिए भी बचानी है ना। चलें ठीक हो गया, खट्टा लगाना होगा ना। हाँ जी। ये जो हमारे कोफ्ते हैं उसके साथ मिसाला आया था शॉपर में, अब ये भी शामिल किया जा रहा है। थोड़ा सा बचा लीजिएगा, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा डाल लो बस, बाकी बच के आ गया बस। चलो ठीक है, आपने खाना है ये? नहीं खाना नहीं, वैसे रख लो ना। ठीक है ठीक है। अब कब डालोगे, कोफ्ते डालने हैं या अंडे डालने? एक दो चम्मच फेर के ना इसमें। अच्छा, आप ही कह रही थी शोरवा ना पतला पतला करना। चलें ठीक है। हाँ गाढ़ा जरा मजा नहीं देगा ना। हाँ, पतला होगा ना जरा। फिर अल्ले कह रहा हूँ, आलू भी हैं, अंडे भी हैं। हाँ, फिर कोफ्ते भी हैं ना। हाँ, इसलिए चलें ठीक है, अल्लाह खैर करता। डालने लगी? हाँ, डालने लगी। चलो हाय 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 हाय, बच्चा तो ही क्योंकि वो टमाटर हरी मिर्चा का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है ना, तो इसलिए छिंके दे रहा है। सही है, माशाल्लाह कोफ्ता की लुक तो बड़ी प्यारी। हाँ दिखा आलू को क्या होती है। ये तो सारी बर्फ ही है माशाल्लाह। हाँ बहुत प्यारी है जी, वो सूरज से इतने अच्छे लग रहे हैं, जब खाएंगे तो फिर कैसे होंगे माशाल्लाह। हाँ ये देखो, देखने वाले बहन भाइयों को भी पानी आएगा मुंह में, बहुत ही जबरदस्त। हाँ रोजा है ना, इंशाल्लाह रोजा खोलेंगे और फिर चावलों पे डाल के खाएंगे, क्योंकि मगरिब के बाद मेरे से तो भाई रोटी खाई नहीं जाती, सहरी के टाइम खाता हूँ। हाँ जी, तो हमारे से भी नहीं खाई जाती, मैं भी चावल ही खाती हूँ। सही है, चलो ठीक है डाल लें फिर आप। हाँ जी। हाँ पत्थर बने हुए है ना? हाँ जी पत्थर बने हुए। चलो दो दर्जन के करीब है माशाल्लाह। चले हो गए? हाँ जी। अब हलाने हैं या बस इस तरह? नहीं चम्मच से ना घुल ना जाए। नहीं घुलते, ये नहीं घुलते। अच्छा हाँ, ये एक तो पत्थर बने हुए हैं, घुलने कहाँ लगे। चले जी माशाल्लाह जी, आज हमारे दस्तरखान पे बाजी बिस्मा के कोफ्ते जो वो खाए जाएंगे और दुआ मिलेगी। बहुत शुक्रिया सिस्टर का, दोनों आपियों का बहुत शुक्रिया जी। आज खाएंगे तो पता चलेगा साड़ी पहन के नहीं कारी करेगी। हाँ जी, मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ बैठा, ये आवाज दे देती है मुझे। हाँ जी, मैंने कहा मैं अंडे डालने लगी हूँ अब। अच्छा आलू डाल लिए थे पहले? हाँ जी आलू मैंने डाले हैं, वो देखो। सही है, चलो बिस्मिल्लाह। कितने, डेढ़ दर्जन अंडे हैं? हाँ जी 18 अंडे। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा पानी डाल लें? हाँ जी पानी डाल लें। चले जी लुक देखते हैं माशाल्लाह जी, अंडे हमारे देखें, कोफ्ते और आलू की रेसिपी तैयार हो रही है माशाल्लाह, लुक बड़ी जबरदस्त आई है। हाँ जी पानी डाल लें। पानी डाल लेते हैं। मातो क्या करनी हो? बिस्मिल्लाह कम है ना पानी? हाँ जी थोड़ा सा और डालूंगी ना ताकि पक्के इतना हो जाए। चलें ठीक है, मुझे इजाजत है। हाँ जी अब आप जाएं, आप अपना काम करें। चलें ठीक हो गया। शाम का टाइम है, असर की नमाज हो चुकी है और आधा जो है हमारा फ्रंट हो गया है। अब देखें माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त कलर यहाँ पे निकला है। अभी ये है। हाँ जी हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, ये मेहनत जो है आज इनकी, ये वाली मेहनत सारा दिन इनको लग गया इसको साफ करने में, ये जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा माशाल्लाह जी। हाँ जी, और मेहराब अभी तो ये कल दिखाएंगे प्यारे बहन भाई को सारे। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें
ये जो नहीं हुआ हुआ वो है और जो हो चुका है ये लोकेशन है। जबरदस्त रंग निकला है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, कोफ्ते हमारे जो हैं रेडी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जरा चम्मच से दिखाओ ना चेक करके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कोफ्ते अंडे और आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब क्या कर रही हैं आप? चावल बना रही हूँ और मैंने ये पकोड़े भी बना लिए, समोसे भी। अच्छा वाह जी वाह, तो वक्ती वक्ती काम हो चुका है। और अभी मैंने फ्रूट काटना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो पीछे मैं भी नहीं रह गया। मैंने पता क्या काम किया है, सेन में पानी। हाँ जी, ये देखे प्यारे बहन भाई, माशाल्लाह अच्छी तरह से सेन में पानी छिड़क लिया है। अब थोड़ा सा सूखने की देर, उसके बाद यहाँ पे हमारा ममदी कर दस्तरखान लग जाएगा अफतारी के लिए। अल्लाह खैर करता, चलें ठीक है। अब क्या चावल रखे हुए हैं? हाँ जी, मैंने चावल रखे हुए हैं। अब ये चावलों को दम लगा के फिर मैंने फ्रूट काटा। ओके साहब जी, अफतारी के होने में थोड़े से ही मिनट बाकी रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान जो है हमारा सज चुका है। बच्चों के लिए प्लेटें, ये सॉरी कटोरियां जो है, इसके अंदर सामान डाल लिया है अफतारी का, क्योंकि अकबर अली का होता है कौन सा, चिड़ी रोजा। इसका भी चिड़ी रोजा, हम तो खैर बड़े हैं, हमारा पक्का रोजा होता है। सुगना सिस्टर सुबह की गई हुई थी फातिमा सिस्टर के घर, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, मैं जा नहीं सका। अहमद अली अब लेकर आया है मोटरसाइकिल। तो प्यारे बहन भाइयों, एक हमारी माँ जी हैं, उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने कहा जी सर अफतारी के अंदर नाज शरीफ जरूर सुनाया करो बेटा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। दो शेर मैं नाज शरीफ के पेश करता हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं अपना दुआ करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। कालियां जुल्फां वाला, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला, दसां की मैं मुस्तफा दी केडी सोहनी शान है, दसां की मैं मुस्तफा दी केडी सोहनी शान है, आप दे तारीफ विच सारा ए कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ए कुरान ए, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्ज़ी सिपारा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्ज़ी सिपारा, कसमे खुदा दे मैनू सब नालो प्यारा, कसमे खुदा दे मैनू सब नालो प्यारा। कालियां जुल्फां वाला, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसमे खुदा दे मैनू सब नालो प्यारा। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह जी, हमारी आपकी आवाज दिल पे जाके लगती है आपकी आवाज। जजाक अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी। जब घर की तारीफ करेंगे तो माशाल्लाह बाहर वाले जो बहन भाई हैं वो तारीफ करेंगे, लेकिन काफी दिन हो गए नाज शरीफ पढ़ी भी नहीं, कोई आरफाना कलाम भी नहीं पढ़ा। तो अब तो वैसे माह रमजान, इंशाल्लाह शाम को कोशिश किया करूंगा, दो एक शेर नाज शरीफ का पेश जरूर किया करेंगे। अब हैदर अली को देते हैं कैमरा, वो कैमरा पकड़े और हम दुआ मांगते हैं। समोसा ना दे फिर दादा को, तंग ना करे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली व सल्लू अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, ये आज की अफ्तारी अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, जो बेरोजगार है रिज्क हलाल अता फरमा, जो परेशान हाल है परेशानियाँ दूर फरमा, जो कर्जदार है कर्ज से खुलासी अता फरमा। जो प्यारे बहन भाई हमारे पास फोन करते हैं दुआ के लिए, कहते हैं प्यारे बहन भाइयों की सबकी दुआ को कबूल फरमा, सब बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमा। इस अफ्तारी का सदका, माह रमजान का सदका, मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह प्यारे नबी का सदका, जो बेटे घर में रिश्तों के लिए बैठी हैं उनके नेक रिश्ते अता फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा। बहुत ही नेक दिन है, माह रमजान का महीना है, जो कर्जदार है कर्ज से खुलासे फरमा, और जो परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौह कलम तेरे हैं,
मैं तो गुनाहगार था, दनिश्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे आका ने मुझे रुसवा ना किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह इन्नी लकसुम तो वा भई कमन तो वलई कवत तवकल तो वला रिस्क का अफ्तर तो ला इलाहा। नमक भाई चले खजूरें 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 चले खजूरें ले ले, नमक खत्म हो गया। हाँ जी ये लो बस आपने लेने माटो को भी तो तेरी माटो 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 इज़ा।